हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ हर्बल कॉस्मेटिक्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद हर्बल कॉस्मेटिक। हर्बल कॉस्मेटिक क्या है आप सभी जानते हो। जो कॉस्मेटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो अपेयरेंस बढ़ाता है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डस्टिंग, और ये सब जो है ये किस में आते हैं, आपके हर्बल कॉस्मेटिक में आते हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं उसके डेफिनेशन से। तो जो आपका कॉस्मेटिक है, द वर्ड कॉस्मेटिक वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉस्मेटिकोस मीनिंग हैविंग द पावर अरेंज स्किल इन डेकोरेटिंग एंड एन हर्बल कॉस्मेटिक इज आल्सो नोन एज अ प्रोडक्ट और अ फॉर्मुलेशन इन विच वन और मोर हर्बल इंग्रेडिएंट्स used to provide defined cosmetic benefit only shall be called as a herbal cosmetic. तो जो अगर हम एक या एक से ज्यादा अगर हम क्या करते हैं herbal ingredient use करके हमने कोई formulation बनाते हैं उसको बोलते हैं हम herbal cosmetic. So वे इसमें हम क्या mostly करते हैं generalized extract. कोई भी हम herbal standardized होता है वो herbal extract हम लोग collect करते हैं from plant और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसका हर्बल कॉस्मेटिक बनाते हैं। मतलब आप उसका पाउडर बना सकते हो, आप उसका क्रीम बना सकते हो, आप उसका लोशन बना सकते हो, आप उसका सोल्यूशन बना सकते हो। ठीक है, जो भी हम कॉस्मेटिक में यूज करते हैं एज ए ऑयल, एज ए पाउडर, एज ए क्रीम, तो हम उसका एक हर्बल्स के थ्रू हम एक कॉस्मेटिक प्रिपरेशन बना सकते हैं। तो इसका यूज क्या है, ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ स्किन, जो स्किन का जो फंक्शन है उसको इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है, और क्या करता है हमारी स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हमारे हेयर को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम अपने ऑयल को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इस अपनी स्किन में अगर कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं या कुछ एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपकी स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट दे रहा है, वो आपकी स्किन को टैन फ्री कर रहा है। तो ये एज ए वर्क करता है हमारा हर्बल कॉस्मेटिक। फिर एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है ये लो रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट है, जो रिस्क है साइड इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, मोर इफेक्टिवनेस होता है क्योंकि प्योर फॉर्म होता है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला होता, ये डायरेक्टली हम नेचुरल सोर्स से लेते हैं तो इसमें इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसका लोअर कॉस्ट है ना, ये क्योंकि रीन्यूएबल है, आपको फिर से मिल सकता है अगर ख़त्म होने के बाद, या प्लांट मटेरियल ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म होने वाली चीज़ है, आप उसको फिर से क्या कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी, क्योंकि बता रहे हैं कि कभी आपको हमेशा मिल सकता है, अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दैट इज अ एडवांटेज। नेक्स्ट इज कैटेगरी ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक। हर्बल कॉस्मेटिक को क्या किया गया है, उसको एक कैटेगराइज किया गया ग्रुप में। ठीक है, फर्स्ट है फॉर एनहेंसिंग द अपेयरेंस ऑफ फेशियल स्किन, आपके फेशियल स्किन को क्या कर रहा है, वो उसकी अपेयरेंस को बढ़ा रहा है। जैसे कि हम क्रीम यूज़ करते हैं, हम पाउडर यूज़ करते हैं फिर, ठीक है, तो उससे क्या हमारे जो फेशियल में जो है, फेशियल स्किन में क्या होता है, उसका अपेयरेंस ग्लोइंग इफेक्ट आता है, या आप अच्छे दिखते हो, फ्रेश दिखते हो। ठीक है, तो उसको अलग किया गया है। फोर हेयर ग्रोथ एंड केयर, हेयर के लिए जैसे शैम्पू है, कंडीशनर है, आप ऑयल लगाते हो, ये सब उसके हेयर ग्रोथ के लिए है। नेक्स्ट फॉर स्किन केयर, स्किन केयर के लिए मतलब अगर आपका एक्ने हो गया है, पिंपल्स हो गया है, या टैनिंग हो गया है, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन है उसको भी हम लोग हर्बल कॉस्मेटिक में बोला गया है। तो इसको कैटेगराइज किया, अलग किया गया है। ठीक है, ग्लोइंग अपीयरेंस बढ़ाने के लिए अलग है और केयर करने के लिए अलग। फिर नेक्स्ट आते हैं शैम्पू, सोप, पाउडर, परफ्यूमरी। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ हर्बल कॉस्मेटिक। एंड मिसलेनियस मीन्स आप गार्गल बोल सकते हो, ठीक है, या टोनर बोल सकते हो, जो कि हम हर्बल प्रोडक्ट से मिला लेते हैं, तो दैट इज अ हर्बल कॉस्मेटिक। फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन में जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक जो होता है वो दो बेस पे क्लासिफाई है। फर्स्ट है डोजेस फॉर्म पे, और सेकंड है आपका पार्ट ऑफ द बॉडी टू बी अप्लाइड, मतलब आप हर्बल कॉस्मेटिक को कहाँ यूज कर रहे हो उसके बेस पे हर्बल कॉस्मेटिक को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट है आपका उसमें जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट इज डोजेस फॉर्म, सेकेंड है आपका पार्ट of the body to be applied for. फिर वही बात करते हैं डोजेस फॉर्म। इसमें ये नहीं है, ये नहीं बोला गया है कि आप उसको क्लासीफाई ऐसे भी कर सकते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म,
लिक्विडोज फॉर्म में भी ऐसे आप सेमी सॉलिड में भी आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो. बट और इजिली वे हमने क्या किया, जैसे इमल्शन बेस्ड क्या प्रिपरेशन है, तो कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, लिक्विड क्रीम, तो ये भी आप हर्बल के थ्रू बना सकते हो, हर्बल इंग्रेडिएंट के थ्रू बना सकते हो, तो दैट इज अ टाइप ऑफ इमल्शन. फिर सोप है, अब सोप को भी आप हर्बल मटेरियल से यूज करके आप सोप बना सकते हो, आता ही है मार्केट में. पेस्ट है, पेस्ट में आप टूथपेस्ट बोल दीजिए, आप डिओड्रेंट पेस्ट बोल दीजिए, या और भी पेस्ट आते हैं आप उसको यूज बोल सकते हो. सोल्यूशंस है, सेव सोल्यूशन है, आफ्टर सेव सोल्यूशन है, लोशंस है, ठीक है, वो सब ये भी एक डोज फॉर्म ही टाइप है. जेलीज हो गया, जो आजकल हेयर सेट जेल होते हैं, सब उसको भी हम हर्बल से बना सकते हैं. ऑयल्स है, ऑयल्स हमेशा नेचुरली यूज किया ही जाता है, शुरू से ट्रेडिशनली हम यूज करते आ रहे हैं. आंवला ऑयल है, बादाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, दैट इज अ हर्बल कॉस्मेटिक. केक्स, केक्स मीन्स जिसमें हम लोग कॉम्पैक्ट यूज करते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कॉम्पैक्ट होता है जो मेकअप के लिए यूज होता है ना, वो भी हम हर्बल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. मीन्स हम यहाँ पे ऐसे इंग्रेडिएंट लेंगे जो कि केक फॉर्मेशन करेगा, और केक फॉर्मेशन वही इफेक्ट देगा जो एक सिंथेटिक देता है. ओके, फिर नेक्स्ट पाउडर, फेस पाउडर जो हम यूज करते हैं, टेलकम पाउडर यूज करते हैं, या टूथ पाउडर जो यूज करते हैं क्लीन करने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ हर्बल कॉस्मेटिक. फिर नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ द बॉडी टू बी अप्लाइड फॉर. ठीक है, जहाँ आप यूज कर रहे हो, जिस पार्ट में बॉडी के जिस पार्ट में आप यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके हर्बल कॉस्मेटिक को क्लासिफाई किया गया है. तो अगर आप हेयर में यूज कर रहे हैं तो उसको बोला गया है हर्बल कॉस्मेटिक फॉर हेयर, जिसमें कि शैम्पू, टॉनिक्स, हेयर ड्रेसिंग, हेयर वेव प्रिपरेशन, बियर्ड सॉफ्टनर, सेविंग मीडिया, या हेयर रिमूवर जिसको कि डेपिलेटर्स भी बोलते हैं. फिर हर्बल कॉस्मेटिक फॉर स्किन, पाउडर, क्रीम, लोशन, डिओड्रेंट, बाथ एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रिपरेशन एंड सेंट एंड प्रिपरेशन, दैट इज ऑल्सो हर्बल कॉस्मेटिक फॉर स्किन. फिर नेक्स्ट है हर्बल कॉस्मेटिक फॉर टीथ एंड माउथ, टूथ पाउडर हो गया. ओके, जो है टीथ और माउथ, ये भी हम वहाँ पे हर्बल कॉस्मेटिक ही यूज करते हैं ताकि फ्रेश एयर आए, तो ये भी एक अपीयरेंस बढ़ाने के लिए होता है, तो ये भी कॉस्मेटिक्स में आता है, इसलिए इसको हर्बल कॉस्मेटिक बोला गया कि हम माउथ वॉश यूज किया, हम अपने माउथ को फ्रेश करें. ठीक है, मिंट वाला जो होता है आप उसका यूज कर सकते हो. टूथ पाउडर में भी हर्बल सीड यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने टीथ को वॉश करने, क्लीन करना, मतलब अपीयरेंस बढ़ाना होता है, इसलिए उसको भी हमने कैटेगराइज किया गया है. नेक्स्ट है आपका हर्बल कॉस्मेटिक फॉर नेल्स, नेल पॉलिश भी है, या नेल रिमूवर, पेंट रिमूवर है बोलना चाहिए, या मैनिक्योर प्रिपरेशन है, तो उसमें भी अगर हम हर्बल यूज कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो हर्बल कॉस्मेटिक फॉर नेल्स. दिस इज सम दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक. हम नेक्स्ट में ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लांट हैं या कौन कौन से एजेंट हैं जो एज ए हर्बल कॉस्मेटिक में हम यूज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.